हेलो फ्रेंड्स, मध्य निषेध दरोगा की परीक्षा जो है वो 28 को डेट आ गया है और आपका ई एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। 105 केंद्र बनाए गए हैं मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 63 और निगरानी विभाग में दरोगा के एक पद पर बहाली को लेकर के, है ना, संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 28 जनवरी को होगी। ये डेट आ चुका है और आप सबको बहुत सारा एक क्वेरी रहता है कि सर एग्जाम कब होगा, ये एग्जाम कब होगा, वो एग्जाम कब होगा। हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। मैंने खुद बिहार दरोगा 3 बार क्लियर किया है और अभी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में हूँ और आपको अपडेट देता रहता हूँ। टाइम के अभाव की वजह से बहुत सारे अपडेट रह जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन आईडी या मोबाइल नंबर के साथ अपनी जन्मतिथि डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि परीक्षार्थियों के साथ अपना एक वैध फोटो पहचान पत्र, फोटो मतलब वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जो मन हो ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकर जाना होगा। ई एडमिट कार्ड पर फोटो स्पष्ट नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपने दो साथ फोटोग्राफ, जो उसी पे फोटोग्राफ आपने दिया हो उस समय, वही लेके जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मालूम हो कि परीक्षा के लिए 7 जिला, पटना, गया, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और बेगूसराय में 105 केंद्र बनाए गए हैं। ये अनुमान लगाते हैं कि इस परीक्षा में चोरी की कोई घटना ना हो, चोरी का कोई इंसिडेंट रिकॉर्ड ना हो। बाकी जो भी अपडेट होगा हम आप तक रोज पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।